गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास टू. सब्जेक्ट इज इंग्लिश, चैप्टर थ्री, जिसका नाम है आस्थाज ड्रीम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना. यह स्टोरी आस्था नाम की एक लड़की के ऊपर है जो अपना हर काम लेट से करती है. आस्था की मम्मी उसे उठाती है, बोलती है, आस्था जल्दी उठो, सुबह के 7 बज रहे हैं, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी. आस्था फिर भी सोई रहती है. आस्था की रोज़ की यही स्टोरी रहती है कि हमेशा हर काम अपना लेट से करती है. उसके माता पिता, टीचर्स, फ्रेंड्स उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके लेट होने की वजह से उसके ऊपर हमेशा गुस्सा रहता है, चिल्लाते रहते हैं. आस्था अपने बर्थडे को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहती थी. उसकी दादी माँ उसको एक बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का सिल्क मटेरियल कपड़ा लगा देती हैं, जिसे उसकी मम्मी टेलर को देके एक स्मार्ट फ्रॉक बनाने के लिए बोलती हैं. आस्था अपने दोस्तों को इनवाइट करती हैं, अपने पिताजी को बोलती हैं कि एक मिकी माउस का बर्थडे केक उसके लिए बनवाने के लिए. आस्था के लिए बहुत बड़ा दिन है. आस्था अपने स्कूल लेट से पहुंचती है. टीचर्स उसके ऊपर चिल्लाते हैं. बर्थडे वाले दिन भी टीचर्स उसके ऊपर चिल्लाते हैं क्योंकि वो हमेशा लेट से आती है और आज भी लेट से आई है. स्कूल के बाद आस्था अपने मम्मी के साथ टेलर के शॉप में जाती है. वहाँ टेलर बोलता है कि अभी तक ड्रेस रेडी नहीं हुआ है, कुछ और लेट होगा क्योंकि मैं सुबह में बहुत लेट से दुकान खोला था, आया था. आस्था जो रहती है दुखी हो जाती है. आस्था फिर अपने मम्मी के साथ बेकरी वाले के पास जाती है. बेकरी वाला बोलता है कि अभी तक केक रेडी नहीं हुआ है क्योंकि वह सुबह उठने में लेट हो गया. आस्था को और ज़्यादा दुख होता है. आस्था फिर अपने घर पहुंचती है. वहां जाके देखती है कि पूरा घर जो है वीरान पड़ा हुआ है, ना कोई बलून है, ना फ्लावर है, ना पार्टी डेकोरेशन किया हुआ है कुछ भी. उसे देख के बहुत अजीब सा लगता है. तब उसकी दादी माँ बोलती है कि आई एम सॉरी आस्था, आज नौकर टाइम पे नहीं आया जिसकी वजह से अभी तक पार्टी रूम डेकोरेट नहीं हो पाया. आस्था और निराश हो जाती है. शाम के 5 बजते हैं. आस्था पार्टी के लिए वेट करती है. उसके फ्रेंड अभी तक आए नहीं हुए रहते हैं. 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, अभी तक कोई नहीं आता है. आस्था रोने लगती है. तभी 7 बजते हैं और उसके सारे फ्रेंड उसके घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सॉरी आस्था, हम लोग लेट हो गए. केक काटने का समय होता है, लेकिन आस्था के पिता अभी भी अपने ऑफिस से घर नहीं आते हैं. मम्मी उन्हें फ़ोन करती है, पूछती है, तो पता चलता है कि आज उनको आने में लेट होगा. आप आस्था को बोलो केक कट कर लेने के लिए. आस्था के आंखों में पानी आ जाता है. वह समझ जाती है कि यह बर्थडे जो उसका है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है क्योंकि सब कुछ लेट हो रहा है. तभी उसे अचानक से आवाज़ सुनाई देता है कि आस्था उठो, यह आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे डियर. जो कौन बोलता है तो उसकी मम्मी बोलती है उसे उठाते हुए. तब आस्था अपनी आँख खोलती है और उसे पता चलता है कि जितना हुआ था ये सब उसका एक सपना था. वो उठ के तुरंत पूछती है कि क्या मैं आज लेट हूँ. उसकी मम्मी बोलती, नहीं, तुम समय से उठी हो, अब जल्दी से रेडी हो जाओ. आस्था रेडी होकर अपने स्कूल पहुँचती है, एकदम टाइम पे पहुँचती है. फिर उसके बाद वह रेड सिल्क ड्रेस पहन के शाम को तैयार होती है. पार्टी में हर चीज़ डिक्योर किया रहता है. केक भी मिकी माउस का लेके उसके पिताजी उसके पहुँचते हैं घर पे. उसके सारे फ्रेंड्स टाइम पे आते हैं. आस्था बहुत खुश रहती है. वह कैंडल बुझा के केक कट करती है. सभी लोग उसको ताली बजा के हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं. अब सभी लोग केक, सैंडविच, पैटीज, पेस्ट्री और जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो खाते पीते और इन्जॉय करते हैं. गेम होता है, बहुत ही अच्छा लगता है. आस्था बहुत खुश होती है.
उस दिन आस्था को ऐसा लगता है कि हर काम समय से करना चाहिए। वो अपने मम्मी से बोलती है रात में कि मैं मॉम आज से मैं हमेशा हर काम समय से करूँगी। उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपना हर काम समय से करना चाहिए, स्कूल समय से जाना चाहिए, अपना होमवर्क समय से करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ समय से खेलना चाहिए, सुबह समय से उठना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पे नीचे ये न्यू वर्ड्स दिए होंगे जिसे आप लोग को याद करने हैं। थैंक यू।